आशीष ने किया है आशा से शादी करने का डिसीजन। शो नामकरण में अब आएगा शादी का ट्रैक, जब आशीष अवनी और पूरे पड़ोसियों के सामने बोलेगा कि अब वो करेगा आशा से शादी। अवनी और अली अपने कैंडल स्टिक हाउस को बना रहे होते हैं कि वहाँ टिया आती है और अवनी को नाजायज बोलती है। वो उसको बार बार टॉन्ट मारती है कि उसकी फैमिली नॉर्मल नहीं है। अवनी टिया को मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये सब टिया की मम्मा देखती है और वो बहुत गुस्से में आकर अवनी को बहुत भला बुरा कहती है। वो अवनी को नाजायज बच्चा बोलती है। अवनी ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। तभी वहाँ आशा आशीष आ जाते हैं। अवनी आशीष को बोलती है कि वो आशा से शादी कर ले। आशीष भी सबके सामने बोलता है कि वो कल ही आशा से शादी करेगा। ये सुनकर अवनी बहुत खुश हो जाती है कि वो अपने मम्मा पापा की शादी करा रही है। अवनी अपने पेरेंट्स की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो जगह जगह जाकर सबको इनवाइट करती है। अवनी फातिमा को भी फोन करके ये खबर देती है और फातिमा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नीला आशीष से शादी करने के लिए तैयार है और वो आशीष को किसी भी हालत में पाना चाहती है। और अब आगे आशीष नीला को कॉल करेगा और बताएगा कि उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने प्यार आशा से शादी करने जा रहा है। नीला ये सारी बात नहीं सुन पाएंगी क्योंकि फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। और फिर अवनी कर लेगी एक गलती, वो दयावंती को कॉल करके करेगी इनवाइट आशा और आशीष की शादी के लिए। दयावंती ये सुनकर हैरान हो जाएगी और अब वो चलेगी अपनी चाल आशीष को हमेशा के लिए अपने पास बुलाने के लिए। शो में अब आगे क्या होगा, क्या दयावंती ये शादी होने देगी या फिर से चलेगी अपनी कोई नई चाल आशा और आशीष को दूर करने के लिए, ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। आशीष ने किया है आशा से शादी करने का डिसीजन। शो नामकरण में अब आएगा शादी का ट्रैक, जब आशीष अवनी और पूरे पड़ोसियों के सामने बोलेगा कि अब वो करेगा आशा से शादी। अवनी और अली अपने कैंडल स्टिक हाउस को बना रहे होते हैं कि वहाँ टिया आती है और अवनी को नाजायज बोलती है। वो उसको बार बार टॉन्ट मारती है कि उसकी फैमिली नॉर्मल नहीं है। अवनी टिया को मार देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये सब टिया की मम्मा देखती है और वो बहुत गुस्से में आकर अवनी को बहुत भला बुरा कहती है। वो अवनी को नाजायज बच्चा बोलती है। अवनी ये सुनकर बिल्कुल टूट जाती है। तभी वहाँ आशा आशीष आ जाते हैं। अवनी आशीष को बोलती है कि वो आशा से शादी कर ले। आशीष भी सबके सामने बोलता है कि वो कल ही आशा से शादी करेगा। ये सुनकर अवनी बहुत खुश हो जाती है कि वो अपने मम्मा पापा की शादी करा रही है। अवनी अपने पेरेंट्स की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो जगह जगह जाकर सबको इनवाइट करती है। अवनी फातिमा को भी फोन करके ये खबर देती है और फातिमा भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नीला आशीष से शादी करने के लिए तैयार है और वो आशीष को किसी भी हालत में पाना चाहती है। और अब आगे आशीष नीला को कॉल करेगा और बताएगा कि उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने प्यार आशा से शादी करने जा रहा है। नीला ये सारी बात नहीं सुन पाएंगी क्योंकि फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। और फिर अवनी कर लेगी एक गलती, वो दयावंती को कॉल करके करेगी इनवाइट आशा और आशीष की शादी के लिए। दयावंती ये सुनकर हैरान हो जाएगी और अब वो चलेगी अपनी चाल आशीष को हमेशा के लिए अपने पास बुलाने के लिए। शो में अब आगे क्या होगा, क्या दयावंती ये शादी होने देगी या फिर से चलेगी अपनी कोई नई चाल आशा और आशीष को दूर करने के लिए, ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।